आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है और चक्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है FSH 12वें व LH 15वें दिन चरम सीमा पर होते हैं। दूसरा है FSH व LH दोनों लगभग 14वें दिन पर चरम सीमा पर होते हैं। तीसरा है प्रोजेस्टेरोन 12वें दिन पर अधिकतम होता है और चौथा है एस्ट्रोजन 6ठे दिन पर अधिकतम होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं आर्तव चक्र की। दोस्तों आर्तव चक्र है वो होता क्या है, मादा में या प्राइमेट्स मादा में जो ऋतु स्राव होता है उसे आर्तव चक्र, वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, उसको हम आर्तव चक्र कहते हैं। इस आर्तव चक्र की हम बात करते हैं तो यहां पर जो LH और FSH जो हार्मोन है ये 14वें दिन जिस दिन अंडोत्सर्ग होता है उस दिन सबसे ज्यादा होते हैं, चरम सीमा पर होते हैं। जबकि प्रोजेस्टेरोन की अगर मैं बात करता हूं तो जो प्रोजेस्टेरोन है, यदि प्रोजेस्टेरोन की बात की जाए तो प्रोजेस्टेरोन का जो अमाउंट है वो लगभग 22वें दिन, हालांकि धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन 22वें दिन चरम सीमा पर होता है, 22वें-23वें दिन चरम सीमा पर होता है, ठीक है। और यदि मैं एस्ट्रोजन की बात करता हूं तो एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो 10-11वें दिन चरम सीमा पर होता है। FSH है वो पुटिकाओं के लिए जरूरी होता है, LH है वो अंडोत्सर्ग के लिए जरूरी होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम लाइन के लिए जरूरी होता है, और एस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियम लाइन के फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए जरूरी होता है। हम यहाँ पर सही कथन का चयन करते हैं। FSH 12वें व LH 15वें दिन गलत है, दोनों 14वें दिन रिलीज होते हैं। दूसरा ऑप्शन FSH व LH दोनों लगभग 14वें दिन सही है। तीसरा है प्रोजेस्टेरोन 12वें दिन पर अधिकतम होता है, गलत है, 12वें दिन पर प्रोजेस्टेरोन अधिकतम नहीं होता है। और इसके बाद है एस्ट्रोजन 6ठे दिन पर अधिकतम होता है, ये भी गलत है, एस्ट्रोजन 6ठे दिन पर अधिकतम नहीं होता है। अतः यहाँ पर आंसर आ जाएगा दूसरा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।